ना देवी, क्या है बुल्ली का नाम? आलूची। आलूची बट है देवी। बोलो गाइस को, बोलो कौन है ये, बोलो देवी। देवी गाइस को बोलो कौन है। हेलो गाइस, अब दे दो, अब दादी को दे दो, बुल्ली को। बुल्ली परेशान हो रही। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। बोलो हेलो गाइस, क्या है ये? धान। धान से क्या बनता है? धान चावल। भत्तू ना, क्या बनता है? चावल। चावल को क्या बोलते हैं? भत्तू भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भत्तू। कोरा भत्तू। मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी गाय के मम्मी पापा चले गए। हाँ। वो चल गई माँ। दादी की बछड़ी ये है। दादी की है। ये है दादी की बछड़ी। वो पंकु चाचू की बछड़ी है, ये दादी की बछड़ी है। दूसरी गाय भी आ जाएगी। क्या है दूसरी गाय? तो ये राजू चाचा जी की छनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लिपाई पुताई का काम चल रहा है दोनों भाई के द्वारा। बस अब कल इस पे चादर डल जाएगी, फिर कल ही उस पे पेंटिंग भी हो जाएगी, है ना देवी? नमस्ते करा बेटा आपने। डाली डाली फूलों की। और ये कद्दू की बेल पूरी फैल चुकी है, बहुत सारे कद्दू आ चुके हैं। देखो गाड़ी। हाँ, गाड़ी दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई। और ये हमारी गौशाला भी बिल्कुल रेडी है, रेडी टू गो। ये दीपी की गाय। दादू को नमस्ते करो। दादू आ गए। झगड़ा कर रहे। तो ये है घास का परखुंडा, जिसे बारिश से बचाने के लिए छन्नी के ऊपर रखा गया है इस तरीके से। बादलों की हम क्या क्या खाएंगे दिव्या? अभी हलवा और ककड़ी और पाइनएप्पल और कोरा भतु। कोरा भतु। हाँ, अच्छा जी खाएंगे। बहुत सारा, बहुत खाते हैं हम। ककड़ी खाते हैं। अब तो हम ककड़ी खाएंगे। ककड़ी खाएंगे। फोटो खींच दिन। ठंडो पानी। तो ये जो दादाजी का मकान बन रहा था, अभी मैं उसका काम देखने आ रखा हूँ। 2 तारीख को इसके ऊपर लेंटर पड़ना है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे। तो अब ये अंतिम चरण में ये बोर्ड बनने की तैयारी चल रही है। गौशाला हमारी परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब बादलों की वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। ये देखिए आप पंकज की साइकिल, आप अपनी बचपन की यादें ताजा कीजिए। ये साइकिल चला के वो पूरा वैसा ही मजा लेते हैं जैसे लोग महंगी महंगी साइकिल को चला के लेते हैं। कच्ची रोड पर। कच्ची रोड पर देखिए आप इसके इंस्ट्रूमेंट को गौर से देखिए आप, क्या क्या लगा हुआ है देखिए आप। और ये वही लड़का है जो दबा के भात खा रहा था आखिरी श्राद्ध में। Thank you.
एक घर में 70-70 फोन लगे हुए हैं। हाँ, किसी ने टैब लगा रखे हैं। और ये थैला जो आपको लाल कलर का दिख रहा है, ये भी फोन से भरा हुआ है। ये देखिए आप। और दिक्कत ये नहीं कि चार्ज पे लगाना, दिक्कत ये है कि इनको इनके घर तक भी पहुंचाना है फोन को। और किसी का फोन मिसप्लेस भी नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो 70 फोन इस घर पे लगे हुए हैं, 10 फोन आगे वाले घर पे, 25 फोन सुनील भाई के घर पे, 12 फोन महावीर भाई के घर पे, और बाकी लगे हुए हैं 20 फोन आगे, जो दो घर दिख रहे हैं आगे। तो ये हैं दौला गांव के बच्चे जो अपने फोन लेने आ रखे हैं, दिन में चार्जिंग पर लगाने के लिए दे रखे थे इन लोगों ने।